देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपर फास्ट चैनल लद्दाख आवाज करगिल। प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही कुछ बहुत महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग अभी होने जा रही है और जिन सांसद का नाम बार बार लिया जा रहा है जामयांग शेरिंग नामग्याल जी वो हमारे मध्य हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मंच पे आएं और लद्दाख क्षेत्र से बहुत सारी ज्वाइनिंग आज होने जा रही है माननीय धर्मेंद्र जी और माननीय गजेंद्र शेखावत जी के द्वारा। मेरा सबसे पहले आग्रह है लेजिस्लेटिव काउंसिल जम्मू कश्मीर के चेयरमैन श्री हाजी अनायत अली जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। कृपया मंच पर आएं। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर श्री मोहम्मद अली जी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ले रहे हैं, मैं उनसे स्वागत करता हूं और उनको आग्रह करता हूं कि मंच पर आए। काउंसिल के काउंसलर श्री मोहसिन अली जी वह भी आज भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ले रहे हैं, हम उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं, वे कृपया मंच पर आएं। श्री जाकिर हुसैन जी जो कि म्युनिसिपल कमेटी कारगिल के प्रेसिडेंट हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि मंच पर आएं। श्री जहीर हुसैन श्री काचो गुलजार जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के, उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है, मंच पर उनका आग्रह है कि वो मंच पर आएं। श्री असदुल्ला मुंशी डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के, वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, कृपया मंच पर आएं। श्री मोहम्मद इब्राहिम जी जो कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, मैं लिस्ट दे दूंगा। श्री ताशी शेरिंग जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी कारगिल के, श्री शेरिंग जी मंच पर आए। श्री टी ग्याल्पो जो कि पुलिस के बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वहां पर, और मेरा उनसे आग्रह है, रिटायर्ड अधिकारी हैं,
वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। वहां के एक प्रमुख समाजसेवी श्री चिमेट दोरजी, उनका हम स्वागत करते हैं, वो मंच पर कृपया आए। श्री नवांग थोकमत जो कि वहां के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है, हम उनका भी स्वागत करते हैं, कृपया मंच पर आए। मेरा हमारे सांसद श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल जी से मेरा आग्रह है कि मीडिया को जो मित्र हैं उनको संबोधित करें। आदरणीय दमिंदर जी, आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी और मंच पे विराजमान सभी नेतागण और विशेष रूप से आज हमारे पार्टी में ज्वाइन किया हुआ ऐसा लद्दाख के बड़े लोकप्रिय नेता और जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन ऑनरेबल हाजी अनायत अली और उनके समेत विशेष रूप से 8 लोगों ने जो करगिल से ज्वाइन किया और 3 लोगों ने लेह से ज्वाइन किया। मैं संक्षेप में ज्यादा टाइम ना लेते हुए संक्षेप में बता दूं, धारा 370 जाने के बाद और लद्दाख दोनों ले करगिल को मिला के यूनियन टेरिटोरी घोषित करने के बाद पूरे देश वालों ने जिस तरह उत्साह मना, उससे ज्यादा ले करगिल दोनों ने इस फैसले को वेलकम किया। और उस वेलकम के बीच कुछ लोगों ने और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने करगिल में थोड़ा गड़बड़ करने की उन्होंने कोशिश किया, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि करगिल के लोग खुश थे। अब सब जानते हैं कुछ दिन तक करगिल में छोटे छोटे प्रोटेस्ट करवाने की जो कोशिश किया वो असफलता रहा, क्योंकि मैंने सदन में भी जो ग्राउंड रियलिटी को रखा और आज भी आप सबके सामने ग्राउंड रियलिटी को रख रहा हूं। करगिल से जो वरिष्ठ नेता हाजी अनायत अली साहब और उनके साथ जो करगिल लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट करगिल में जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर डिप्टी मिनिस्टर रैंक का होता है और काउंसलर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं और उनके साथ साथ करगिल के जो पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, यूथ प्रेसिडेंट और सब लोग यहां नहीं आ पाए, ऐसे प्रमुख करगिल से 8 लोग आए और ले से सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो रिटायर्ड है टी गल्पो साहब और उसके साथ जो 2 सामाजिक कार्यकर्ता ऐसा लोगों का आज पार्टी में ज्वाइन हुआ है। मैं पूरे लद्दाख वासियों की ओर से वेलकम करना चाहूंगा और पार्टी के तरफ से भी वेलकम करना चाहूंगा और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बाकी हाजी साहब जो करगिल के पक्ष क्या है वो आप सबके सामने ब्रीफ में रखेंगे। थैंक यू। माइक ऑन। मैं सबसे पहले मैं हमारे एमपी साहब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने मुझे यहां तक लाने में बहुत काफी मदद की और साथ में जो है हमारे काफी दिन से मेरे से जुड़े हुए थे आपकी जो हमारे यहां बीजेपी के स्पोक पर्सन श्री नवीन कुमार जी, ये 1 साल से हम जुड़े हुए थे तो उन्होंने भी काफी मदद की हम लोग को यहां तक पहुंचाने के लिए।
हमारे वहां पर जो इस वक्त पोजीशन है लद्दाख में जो यूटी के बारे में, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि हमारे करगिल जो है, हमारे पास इससे पहले जो यूटी का कोई डिमांड नहीं था, हमारा जो डिमांड था जो ले का था वो, अब इस वक्त जो है पूरे स्टेट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो है यूटी का जो स्टेटस दिया गया है, तो उस सिलसिले में जो है मैं शुरू से ही मतलब मैं कहते आ रहा हूं हमारे वहां के जो नेता वगैरह जो हमारे वहां पे कंसर्न जो कांग्रेस को चाहे एनसी को बाकी अदर रिलीजियस जितने पार्टी हैं कि हमने कहा कि आज तक जो यूटी के बारे में जो ले वाले डिमांड कर रहे थे हमारे करगिल का कोई डिमांड नहीं था, तो इस वक्त जो है हमारे गवर्नमेंट ने पूरे जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर को अलग यूटी का स्टेटस दिया है, लद्दाख को अलग यूटी का स्टेटस दिया है, तो हमें इसमें खुशी होना चाहिए क्योंकि हम डायरेक्टली जो है हम सेंटर से रिलेटेड हो रहे हैं, हमारे बीच में जो है कोई बाधा नहीं है, बीच में हमें कोई ब्रेक नहीं है, हम सीधा हम सेंटर से जो भी फंड्स हो जो भी मतलब हमारे डेवलपमेंट का काम हो वो हम ला सकते हैं, तो अभी इस वक्त जो है हमें सेंटर से बात करना चाहिए, यूटी के अंदर जो भी मतलब कुछ कमी पेशी हो तो उसके लिए हमको बात करना चाहिए, मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूं और मैं शुरू से ही उसी के फेवर में थे, तो आज जो हमें बहुत खुशी है कि मुझे बीजेपी गवर्नमेंट ने जो इस वक्त स्टेटस जो लद्दाख को दिया गया है उसको कारगिल में शामिल किया गया है, तो हमारे लोग बहुत खुश हैं क्योंकि वहां पर प्रोटेस्ट होने का मतलब इस तरह रहा है कि कुछ लोगों को बहुत उम्मीद था कि वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का हुकूमत आने वाला था, तो वो लोग बड़े अच्छे प्रोपोगंडे कर रहे थे, कोई एमएलए बने हुए थे, कोई एमएलसी बने हुए थे, कोई मिनिस्टर बने हुए थे, तो उनको थोड़ा सा झटका लग गया, तो अभी तक वो मेरे ख्याल से उस झटके में अभी तक उबर नहीं पाए हैं, तो हम तो पहले से शुरू से तैयार थे तो आज हम यहां पहुंच गए, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो सब भी इसी मंच पे पहुंच जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि इसके बगैर कोई चारा भी नहीं है वहां पर, इसके बगैर कोई चारा भी नहीं है क्योंकि वहां पर एक पार्टी बचा हुआ है सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी थोड़ा कम थे लेकिन अब हम बीजेपी में शुरुआत हमने कर दिया है और इंशाल्लाह जो है दो साल के अंदर जो है हम बीजेपी को पूरा करगिल को हम बीजेपी में ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरी बात हमारे वहां कौंसिल है तो जल्दी ही हम बीजेपी का ही कौंसिल लाने की कोशिश करेंगे वहां पर, और जब तक कि हम वहां हमारे वहां पर मैं अभी यहां अभी शुरुआत हो गए हैं तो इनके साथ हम बीजेपी के वरिष्ठ जो नेताओं से हम बात करेंगे, तो इसमें कुछ हम ये करके इंशाल्लाह हम आगे जो है हम पूरा बीजेपी का हम वहां पर ये लाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है हमको कि वहां हम कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज में थोड़ा सा एक जरूरी मैं बात कहना चाहता हूं मीडिया के थ्रू, कुछ दिन पहले जो है पूरे देश में हमारे छवि को कुछ खराब करने की कोशिश किया, उसमें मैं थोड़ा मीडिया वालों को भी थोड़ा दोष देता हूं क्योंकि आप लोगों ने इस तरह से पेश किया कि करगिल जो है वो कश्मीर के साथ मतलब ऐसे पेश किया, लेकिन कश्मीर में भी जो है बहुत अच्छे लोग हैं, वहां भी हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं वहां पर, बहुत अच्छे लोग हैं वहां पर, हम लोगों को करगिल को जो है कश्मीर के साथ दिया, करगिल जो हिंदुस्तान के साथ है, हम हमेशा जो है हिंदुस्तान के तिरंगे के नीचे बैठा हुआ है, हमने हमेशा जो है हिंदुस्तान के साथ दिया हुआ है, तो इसलिए आप थोड़ा इसमें यह करना है कि हमको करगिल के जितने भी वासी है वो हिंदुस्तान के साथ है और हमको कश्मीर के साथ जो है ये कश्मीर के साथ हमको इतने साल से हम जुड़े हुए हैं, कश्मीर के साथ हमारा रिलेशन रहेगा वहां पर क्योंकि हमारा दर्रा जोजिला जो है एक ही पास है, वहां से कश्मीर से हमारा सारा ये चीज पहुंच जाते हैं, तो लिहाजा हमारा ये चीज नहीं है, हम पूरा हिंदुस्तान के साथ है, हमारे बच्चों के खून में के खतरे खतरे में जो हिंदुस्तान बसा हुआ है, इस चीज के लिए आप थोड़ा ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में इस ऐतिहासिक फैसले के लिए माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद देते हुए हमारे साथ यहां पे उपस्थित श्री मोहम्मद अली मजाज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी कारगिल का भी है और मोहम्मद हसन पाशा वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता युवा मोर्चा कारगिल डिस्ट्रिक्ट से जम्मू कश्मीर का है और श्री थुप्तान सस्कान जी सीनियर बीजेपी लीडर है, उन सबको भी हम धन्यवाद करते हैं।